हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, हमारे गार्डन में इस समय कुछ काम चल रहा है और मैं भी विंटर की तैयारी में लगी हुई हूँ। सभी प्लांट्स मैंने एक कॉर्नर में रखे हुए हैं। जो भी काम मैं करती जा रही हूँ वो उस काम को एक कॉर्नर में मैं रख रही हूँ। अभी इसी तरह से ये हमारे लगे हुए हैं और एक ग्रुप में मैंने सबको रखा हुआ है और कुछ ही दिनों में मैं इन्हें सिस्टमेटिक ढंग से रखने वाली हूँ। आज की वीडियो हमारी कुछ इस टॉपिक पे है कि गार्डन से ही कुछ ऐसे सामान निकल जाते हैं जो हमारे काफ़ी यूज़ के होते हैं, हम ना जानते हुए उन्हें फेंक देते हैं। तो फेंकने की गलती बिल्कुल भी ना करें, फेंकने से अपना ही नुकसान है। और जब हम उसे इकट्ठा अपने गार्डन में रखते हैं और किस तरह से उसे यूज़ में लेते हैं यह भी मैं वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल उसको किस तरह से यूज़ में लेना है, अगर ये सब आप जानकारी रखते हैं या रखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका गार्डन आने वाले समय में होने वाला है। जिस तरह से हमारे गार्डन में फ्लावरिंग चलती रहती है और फूल खिलते रहते हैं, यही सब रीज़न है कि मैं सभी चीज़ों का यूज़ करती रहती हूँ और अच्छी तरह से उनको इस्तेमाल में लेने के बाद में हमारे गार्डन में अच्छी ग्रोथ होती रहती है। प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ तो होती ही है और जब प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है तो साथ ही फ्लावर भी बहुत अच्छे खिलते रहते हैं। तो अभी तो विंटर की तैयारियाँ चल रही हैं और मैं प्लांट्स लगा रही हूँ। मैंने आपको प्लांट्स भी दिखाए हैं कि कितने सारे पॉट मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। एक बार मैं फिर से एक लुक दे देती हूँ। मैरीगोल्ड हैं और काफ़ी प्लांट हैं, हिबिस्कस हैं, शो प्लांट हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है सभी की। तो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, कुछ पीछे कटिंग्स वगैरह भी रखी हुई हैं जो कि मैं एक दिन फुर्सत में किसी दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ पर जाफरी मैरीगोल्ड है, ये सब नए प्लांट हैं और इनकी अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो किस तरह से इन्हें ग्रोथ पे लाना है और क्या क्या इनके लिए ज़रूरी होता है वो समय समय से मैं अपनी सभी वीडियो में आप सभी से शेयर करती रहती हूँ। और आने वाले समय में मैं प्लांट्स भी दिखाती रहती हूँ कि क्या प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है, उसमें फ्लावरिंग प्लांट हैं तो कौन से फूल आ रहे हैं या शो प्लांट हैं तो उन कैसे उनकी ग्रोथ चल रही है, ये सब मैं अपनी वीडियो में शेयर करती रहती हूँ। तो आपको हमारा गार्डन पसंद आता है तो मुझे लगता है कि मैं जो करती हूँ वही आपसे शेयर भी करना चाहिए। और शायद अगर आप अच्छे गार्डनर हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही अपने गार्डन को एक अच्छा और सुंदर हरा भरा स्वस्थ गार्डन बना सकते हैं। तो एक ऐसी चीज़ है जो हमें गार्डन से ही मिली है और गार्डन में ही वो यूज़ में हो जाती है, क्या है वो, यही मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो उसे फेंकने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप फेंकते हैं तो आपका अपना ही नुकसान है, लेकिन मैं तो नहीं फेंकती हूँ, मैं तो उसे दोबारा यूज़ में ले लेती हूँ और हमारे गार्डन में वो काफ़ी प्लांट्स के लिए लाभदायक हैं। तो ये है वो चीज़ जो कि मुझे गार्डन से ही मिला है और गार्डन में भी मैं इस्तेमाल कर लूँगी। अभी आप देख सकते हैं गार्डन काफ़ी बड़ा है और इस समय सभी प्लांट्स हमारे अच्छी ग्रोथ पे चल रहे हैं और उनमें से जो भी फूल पत्ती हैं उनके पत्तियाँ झड़ रही हैं, फूल झड़ रहे हैं, सूख रहे हैं। इस तरह से देखिए तो ये बहुत ही सूखा सूखा सा मटेरियल है, पत्तियाँ हैं इनमें, इस तरह से मिट्टी है, खाद है, ये वही है जो हमारे सभी पॉट से निकलता है। तो इसे वेस्ट ना समझें, वेस्ट समझ के, कूड़ा कचरा समझ करके हम फेंक देते हैं तो फेंकने की गलती बिल्कुल ना करें। मैं तो नहीं फेंकती हूँ, मैं अपने सभी प्लांट्स में दोबारा से इन्हें यूज़ में ले लेती हूँ। किस तरह से लेना है यही मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये एक पॉलीथीन है और पॉलीथीन में जाहिर सी बात है इतना बड़ा गार्डन है टेरेस पे तो बहुत सा मटेरियल निकलता रहता है। हर तीसरे दिन अगर झाड़ू लगाइए तो इतना सा वेस्ट निकलता है। इसको अगर कहीं रखते हैं तो ये इस हवा में उड़ जाएगा और फिर ये हमको नहीं मिलेगा और दोबारा से मुझे फिर वही काम करना पड़ेगा कि झाड़ू लगाना पड़ेगा, फिर इकट्ठा करना पड़ेगा और उन्हें कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो ये है पॉलीथीन और इसी पॉलीथीन, ऐसी पॉलीथीन घर में बहुत निकलती हैं। इस पॉलीथीन में देखिए मैंने इसमें इकट्ठा किया है और इसको गांठ बांध के अब हम कहीं रख देते हैं। थोड़ा सा ऊपर से पानी का छिड़काव कर देंगे और इस पॉलीथीन में हम लगाएँगे गांठ। गांठ लगाने के बाद में इसमें दो तीन होल करेंगे और इसे कहीं साइड में रखेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ रखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो मैंने पहले भी झाड़ू वगैरह लगाया था और इतना सा मटेरियल निकला था, इसे भी मैंने रख दिया है अपने टेरेस पे। और यहाँ तो मैंने गांठ लगाई हुई है, अगर गांठ खोलती हूँ तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी
यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें मटेरियल इकट्ठा हुआ है। ये नीचे डिकम्पोज हो रही है, क्यों? क्योंकि इसमें मिट्टी, खाद सब कुछ मिक्स है, पत्तियाँ हैं, और ये एक दिन बहुत ही अच्छी खाद बन करके तैयार होगी जो हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी लाभदायक है। और इस तरह से मैं जितनी बार झाड़ू लगाती हूँ उतनी बार पॉलीथीन में इकट्ठा करती रहती हूँ। अभी तो मैं ये दो बार का ही दिखा रही हूँ, एक कॉर्नर में रखा हुआ है। 5-6 तरह की पॉलीथीन इस तरह से बंधी हुई है, क्योंकि इन दिनों जबकि हवा तेज़ चल रही है, मौसम चेंज में है, तो पत्तियाँ फूल सभी झड़ रहे हैं, और हम जब पानी डालते हैं तो सारा मटेरियल निकलता है पॉट से और वो कहीं ना कहीं जाकर इकट्ठा होता है, तो उसे आप झाड़ू लगाकर इकट्ठा कर लीजिए। ये सब चीज़ें हैं, बहुत काम की हैं। अगर आप अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं, अच्छी ग्रोथ चाहते हैं प्लांट की, तो इसे आप बिल्कुल भी ना फेंकें। जिसने भी इसे फेंक दिया वो समझ जाइए कि अपना बहुत सा खाद या बहुत सा कंपोस्ट या अपने अच्छे प्लांट की ग्रोथ नहीं चाहते हैं, इसलिए से वो फेंक देते हैं। तो इसे इसी तरह से रखना है, और जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं इसे यूज़ में ले लूँगी। करना क्या है, ये गीला रहेगा, और जब आप इसे जाने कि ये तैयार हो गया है तो आप इसे थोड़ा सा धूप दिखा दें, ये सूख जाएगा। सूखने के बाद में आप इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। अभी भी अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट किसी पॉट में पलट सकते हैं, ऊपर से मिट्टी भर के, और प्लांट लगा सकते हैं। इस तरह से मैं इन सब चीज़ों को नहीं फेंकती हूँ और दोबारा गार्डन में अपने प्लांट्स के लिए यूज़ में ले लेती हूँ, जिसका रिज़ल्ट ये है। तो इस तरह से अगर आप फूल चाहते हैं, सीज़न के हों गैर सीज़न के हों, तो उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए ये सब काम ज़रूर करें। तो इसे आप फेंकने की गलती ना करें। ये भी जिस दिन सूखेंगे इन्हें भी मैं यूज़ में ले लूँगी। तो मैं अपने गार्डन का कोई भी सामान नहीं फेंकती हूँ, सब मैं इस्तेमाल में ले लेती हूँ, और वही मैंने आप लोगों से शेयर भी किया हुआ है। तो जो भी हमारे भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने गार्डन को हरा भरा और सुंदर मेंटेन रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।